हिरणों की एक टोली जंगल में विचर रही थी। कई वयस्क, कुछ बूढ़े और कुछ नन्हे शावकों से सजी हुई टोली एक बड़ा कारवां प्रतीत हो रही थी। नन्हे शावक अपनी माँ के आसपास ही थे। उनके बीच एक ऐसा नन्हा शावक भी था जिसे किसी हिरणी का साथ नहीं मिल पा रहा था। वैसे तो वह आजाद घूम रहा था, लेकिन उसकी आजादी में भी एक भय छुपा हुआ था। वो कभी डरकर झुंड के अंदर चला जाता तो कभी बाहर निकल आता। अचानक जंगल में किसी बड़े जानवर की आवाज आई और हिरणों की टोली इधर उधर भागने लगी। शावक अपनी माँ हिरणियों के साथ हो लिए, लेकिन वो नन्हा शावक इधर उधर देखकर एक तरफ भागने लगा। उसे किसी हिरणी ने सहारा नहीं दिया। उसकी माँ उस टोली में नहीं थी। वो अनाथ था। वो नादान बच्चा भागता रहा, भागता रहा। वो झुंड से बिछड़ गया। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वो जाए तो जाए कहाँ। वो भागते भागते एक जगह लगाए हुए कंटीले तारों में फंस गया। हिरणों की पूरी टोली उसे फंसा हुआ छोड़कर आगे बढ़ गई। नन्हा शावक कंटीले तार में फंसकर कराहने लगा, लेकिन उसकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। वो बाहर निकलने की नाकाम कोशिश कर रहा था और दर्द से छटपटा रहा था। उसके शरीर में कंटीले तार के कांटे बुरी तरह से चुभ गए थे। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आज माँ का साया न होने के कारण वह पूरी तरह से असहाय हो गया था। वो काफी जद्दोजहद के बाद परेशान होकर शांत हो गया। बहुत देर हो चुकी थी और उसे बचाने कोई नहीं आया था। शाम ढलने लगी थी। उसी समय एक दंपति वहां से गुजर रहे थे। शायद वो अपने गांव में अपने घर जा रहे थे। स्त्री की दृष्टि शावक पर पड़ी। अरे वह देखो, एक हिरण का बच्चा फंसा हुआ है। चलो ना उसे निकालते हैं। अरे छोड़ो भी, हमें पहले ही देर हो चुकी है। घर जल्दी पहुंचना चाहता हूँ। उसे हमारी मदद की जरूरत है। यदि हमने मदद नहीं की तो कुछ भी हो सकता है। ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, मर जाएगा। वैसे भी इनकी जिंदगी का हर पल खतरे से भरा होता है। किसी न किसी जानवर के शिकार बन जाते हैं। ऐसे निर्दयी मत बनो। चलो ना, हमें उसकी मदद करनी ही होगी। तुम नहीं चलोगे तो मैं अकेले चली जाऊंगी। स्त्री की जिद के आगे पुरुष को उसकी बात माननी ही पड़ी। दोनों चलते हुए नन्हे शावक के पास पहुंच गए। पुरुष और स्त्री दोनों ने मिलकर उस शावक को निकालने की कोशिश की। नन्हे शावक की समझ में नहीं आ रहा था कि वह दोनों उसके साथ क्या करने वाले थे। वह पहले से ही डरा हुआ था। उन दोनों के आने से उसका डर और ज्यादा बढ़ गया। दर्द और डर ने उसे कुछ ज्यादा ही परेशान कर दिया। बड़ी मुश्किल से घायल शावक को कंटीले तारों से मुक्ति मिल पाई। देखो बेचारा कितने बुरे हाल में है। सारे हिरण हिरणियां भाग गए और ये बेचारा फंस गया। चलो इसे घर ले चलते हैं। ये बहुत प्यारा है, हम इसे हीरा कहकर बुलाएंगे। नन्हे शावक हीरा को उस स्त्री की गोद में एक अपनापन महसूस हुआ और वो शांति के साथ उसे देखता रहा। दोनों ने उसे अपने घर लाकर उसका इलाज किया। उसे बहुत भूख लगी हुई थी। खाना खिलाया, पानी पिलाया। सीमा, इसे बैठे रहने दो। तुम खाना पकाने का इंतजाम करो। अगर ये चलने लगा तो हम इसे जंगल में छोड़ देंगे। अभी नहीं, इसे सुरक्षा की जरूरत है। सीमा वहाँ से हटने जा रही थी कि उसी समय उनका कुत्ता आ गया और हीरा की तरफ झपट पड़ा। सीमा तेजी से आगे बढ़ी और बीच में खड़ी हो गई। उसने कुत्ते को डांट दिया और हीरा को बचा लिया। समय बीतता गया, हीरा बड़ा हिरण बन गया। सीमा माँ की तरह उसका ख्याल रखती। वो भी हमेशा सीमा के साथ रहता। सीमा का कुत्ता टॉमी भी हीरा से हिल मिल गया था। इंसान और जानवर के बीच में इतना प्यार भी हो सकता है, ये देखकर लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे। एक दिन रात में एक चोर आया। कुत्ता टॉमी खेतों पर गया हुआ था। चोर ने मौका देखकर हीरा का मुंह बंद कर दिया और उसे वहां से लेकर चल पड़ा। किसी को इस बात की भनक भी नहीं लगी। सवेरा हुआ तो सीमा ने हीरा को कहीं नहीं देखा तो वो परेशान हो उठी। वो रुआंसी हो गई। हीरा कहाँ गया? देखो ना, देखो कहीं आसपास दिख भी नहीं रहा। उसे जल्दी ढूंढो। सीमा अपने पति के साथ हीरा को ढूंढने लगी। उसके साथ उनका कुत्ता टॉमी भी था। वो अचानक रास्ते में सूंघता हुआ आगे बढ़ गया। वो भागता चला जा रहा था। बहुत दूर जाने के बाद एक घर के पास उसे हीरा रस्सी से बंधा हुआ दिखाई पड़ा।
टॉमी ने जाकर अपने मुंह से हीरा की रस्सी खोल दी और उसे लेकर अपने घर की तरफ दौड़ने लगा। चोर पीछे दौड़ा, लेकिन हीरा और टॉमी हवा से बातें करते हुए आगे निकल गए। हीरा टॉमी के साथ आकर सीमा के सामने खड़ा हो गया। सीमा और उसके पति की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। माँ को उसका बेटा और बेटे को उसकी माँ मिल गई। दोनों के दिल की कली खिल गई। नम्रता सवेरे सवेरे जैसे ही घर के बाहर कदम रखती है, उसे एक सफेद रंग की गाय द्वार पर खड़ी हुई दिखाई पड़ती है। वह उसे ध्यान से देखती है और फिर सोचती है, आजकल बहुत सारी गायें घूमती रहती हैं, उनमें से यह भी एक है। गाय आशा भरी नजरों से नम्रता को देखने लगती है। नम्रता को ऐसा लगता है शायद वह प्यासी है, इसलिए वह उसके लिए बाल्टी में पानी लेकर आती है। गाय पानी तो पीती है, लेकिन वहाँ से हटने का नाम नहीं लेती है। नम्रता के पति राकेश बाहर आ जाते हैं। क्या हुआ? क्या बात है? किस काम से बड़ी देर से बाहर खड़ी हो? यह गाय दरवाजे पर आ गई है। मैंने पानी पिलाया, फिर भी ये यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रही है। ऐसा लगता है इसे हमारे घर की दहलीज प्यारी लग गई है। यह कहीं अन्यत्र न जाकर हमारे यहाँ आकर खड़ी हो गई है। अरे ये भटकने वाली गाय है, अंदर आ जाओ, ये कुछ देर के बाद अपने आप चली जाएगी। नम्रता के मन में कई बातें चलने लगती हैं, लेकिन वह आगे बोलना उचित न समझकर घर के अंदर चली जाती है। कुछ देर बाद नम्रता का छोटा बेटा आलोक घर के बाहर निकल जाता है। नम्रता को बाहर शोर सुनाई पड़ता है। वह बाहर देखती है तो बहुत सारे जानवर दौड़ रहे होते हैं। उसे वह सफेद गाय वहीं खड़ी हुई दिखाई पड़ती है। आलोक के रोने की आवाज आती है। नम्रता दौड़ कर देखती है तो उसी गाय ने आलोक को अपने चारों पैरों के बीच में रखकर सुरक्षा दी हुई रहती है। उसके आसपास से दूसरी कई गायें दौड़ रही होती हैं। नम्रता के वहाँ पहुँचने तक सभी गायें चली जा चुकी होती हैं। सफेद गाय धीरे से पास में हट जाती है। नम्रता दौड़कर अपने बच्चे आलोक को उठा लेती है। तब तक राकेश भी बाहर आ जाता है। मेरा बच्चा, गाय ने आलोक को साफ बचा लिया, वरना जानवरों की भगदड़ में न जाने क्या होता। देखे ना, ये तो गर्भवती भी है। भगवान ने इसे हमारे पास भेज दिया है, हम इसे अपने साथ रखेंगे। नम्रता, तुम्हें तो पता है कि हमारे हालात अच्छे नहीं है, इसके चारे का इंतजाम कैसे होगा? मैं इसे घास छील कर खिलाऊंगी, आसपास के क्षेत्र में चरने के लिए भी छोड़ दूंगी। नम्रता की इच्छा के सामने राकेश भी तैयार हो जाता है। नम्रता उसके खाने का प्रबंध करती है। उसका नाम वह नंदिनी रख देती है। नंदिनी के कदम पड़ते ही उनके घर में खुशियां आने लगती हैं। राकेश को लॉटरी में 10 लाख रुपए का पहला इनाम मिल जाता है। वे सब खुशी के मारे झूमने लगते हैं। उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। राकेश, नम्रता और आलोक तीनों के साथ नंदिनी बहुत सुखपूर्वक रहने लगती है। राकेश घर के बहुत सारे सामान, अच्छे कपड़े और नम्रता के लिए गहने भी लेता है। एक बड़ा खेत खरीदने के लिए वह बहुत सारे रुपए घर पर रख लेता है। कुछ दिनों बाद रात के समय एक चोर राकेश के घर से सोना, चांदी और रुपए चुरा लेता है। वह चोरी का सामान समेट कर जैसे ही घर के बाहर निकलने लगता है, उसके रास्ते में नंदिनी आकर खड़ी हो जाती है। वह भागने की कोशिश करता है, लेकिन नंदिनी उसे सींग से मार कर गिरा देती है। वह फिर से भागना चाहता है, पर नंदिनी उसे दोबारा सींग मार कर गिरा देती है। इतने में राकेश और नम्रता आ जाते हैं। चोर पकड़ा जाता है। वाह नंदिनी, इतनी बड़ी चोरी करने वाले चोर को पकड़ा दिया, हमारा धन बचा लिया। तुम सचमुच हमारी रखवाली हो नंदिनी। अचानक नंदिनी के पेट में दर्द होने लगता है। वह परेशान हो जाती है, इधर उधर घूमने लगती है। राकेश परेशान हो जाता है। देखिए, परेशान मत होइए, हमारी नंदिनी बच्चे को जन्म देने वाली है। कुछ देर के बाद नंदिनी एक सुंदर प्यारे से बछड़े को जन्म देती है। घर में खुशहाली छा जाती है। बछड़े का नाम गोलू रख दिया जाता है। गोलू घर की रौनक बन जाता है। नंदिनी के दूध से राकेश के घर में ही पर्याप्त मात्रा में दूध, दही, घी होने लगता है। एक वर्ष बीत जाता है।
एक दिन राकेश नंदनी को चराने के लिए पास के जंगल में लेकर जाता है। अचानक दो भयानक भेड़िये राकेश के पास आकर गुर्राने लगते हैं। राकेश डर जाता है। वह अपने आप को बचाने के लिए चारों तरफ देखने लगता है। दूर चढ़ते हुए नंदिनी राकेश को भेड़ियों से घिरा हुआ देख लेती है। वह वहाँ से दौड़ती हुई राकेश के पास आ जाती है। राकेश का भय दूर हो जाता है। मेरी प्यारी नंदिनी आ गई। नंदिनी ढाल बनकर राकेश के सामने खड़ी हो जाती है। एक भेड़िया राकेश की तरफ तेजी से आता है। उसे सींग मारकर नंदिनी दूर उछाल देती है। तब तक दूसरा भेड़िया आगे बढ़ता है। उसे भी वह सींग मार देती है। राकेश एक लकड़ी लेने जाता है। उसी बीच नंदिनी के पैर में एक भेड़िया काट लेता है। राकेश लकड़ी लेकर आता है और भेड़िये को बड़े जोर से मारता है। राकेश और नंदिनी मिलकर दोनों भेड़ियों को मारकर भगा देते हैं। राकेश राहत की सांस लेता है। नंदिनी, आज तुमने मुझे बचा लिया। तुम सचमुच हमारी रक्षक बन गई हो। राकेश अगले ही पल नंदिनी के पैर का घाव देखकर बहुत दुखी हो जाता है। वह तुरंत नंदिनी के पैर पर कपड़ा बांध देता है और जानवर के डॉक्टर के पास इलाज कराने के लिए लेकर जाता है। नंदिनी सदैव एक बेजुबान प्राणी होकर भी बड़ी ही वफादारी के साथ राकेश और उसके परिवार का रक्षण करती है। इसी तरह वह सदा के लिए वफादारी की एक बड़ी मिसाल बन जाती है।